एकेएस मीडिया में आपका स्वागत है। 31 जुलाई को चंडीगढ़ कला भवन में मुंशी प्रेमचंद के जन्म उत्सव की शानदार शुरुआत हुई। ये उत्सव समर्पण थिएटर ग्रुप व पंजाब कला परिषद के सहयोग से करवाया गया। पहले दिन 31 अगस्त को हुआ टॉप शो कलम का सिपाही, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के जीवन में चर्चा की। समर्पण थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर राजू वैद ने बताया कि प्रेमचंद की कहानियों में गांव की मिट्टी की खुशबू आती है। हर एक भारतीय मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से जुड़ा हुआ है, अपनी कलम से बहुत सी कृतियों पर कटाक्ष किया है, चाहे वो दहेज हो या जायदाद हो या जानवरों पर हो रहे अत्याचार हो। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा यही बयान करती है कि राजू वैद ने बताया कि समर्पण थिएटर ग्रुप के कलाकार 2 महीने से इस उत्सव की तैयारी में लगे थे। इस प्रोग्राम में मुख्य मेहमान लेखक व कवि अर्श बलकार सिंह, जतेंद्र कुमार पांडे, सोनू सेठी, राजू वैद ने इस प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए पद श्री डॉक्टर सुरजीत पात्र व डॉक्टर लखविंदर जौहर का आभार प्रकटाया किया। और इस प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए श्री शीतलदास पत्रु, एडिटर इन चीफ AKS मीडिया ग्रुप का भी धन्यवाद किया। इस तरह 1 अगस्त को पंच प्रधान का भी नाटक खेला गया, जिसमें अन्य कलाकारों ने हिस्सा लिया और इस प्ले की सभी ने बहुत शलाघा की। सभी लोगों ने डायरेक्टर राजू वैद की शलाघा की। शुरू की जाए? अरे भाई जुम्मन शेख तो आए नहीं सरपंच साहब। लो भगवान झूठ ना बुलवाए, आ गए। ठीक है तो भाइयों, आज की पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। हाँ तो खाला, तुम्हें जो कुछ कहना है पंचायत के सामने खुल कर कह सकती। अब मैं क्या बताऊं सरपंच साहब, ये जुम्मन मेरा भांजा है, मेरे शोहर को गुजरे हुए एक जमाना हो गया, मैं तो अकेली ही रहती थी। मेरे पास 3 एकड़ जमीन थी। एक दिन ये जुम्मन मेरे पास आया और बोला, खाला तुम हमारे साथ ही रहा करो, मैं तुम्हारी जमीन पर खेती कर दूंगा। शुरू शुरू में तो सब ठीक चला, पर जैसे ही मैंने अपनी जमीन इन लोगों के नाम की, इनके तो तेवर ही बदल गए। मुझे तो रोटियों के भी लाले पड़ गए। क्यों झूठ बोलती हो खाला, हर रोज तुम्हें देसी घी की पूड़ियां खाने को मिलती है, अब यहाँ आकर नुकर